अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल की एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हम आपके साथ अक्सर जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो लास्ट टाइम की वीडियो में हमने आपको बताया था आप कैसे सस्ता तरीन VPS ले सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आप कैसे सस्ती तरीन होस्टिंग ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा VPS मिले जो सस्ता तरीन और फुल्ली मैनेज्ड हो, तो आप वो कैसे गेट करेंगे। चले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना कि VPS की जो है ना क्या प्राइसेस होती हैं मैनेज्ड की, ठीक है। namecheap.com पे जाते हैं। देखिए, मोस्ट जो फेमस वेबसाइट है तो वो नेमचीप ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि होस्टिंग की क्या पोजीशन है। ये VPS है, ठीक है। तो ये आप देखें कि VPS की क्या प्राइस है, $9, $17, ठीक है। ये आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा, मतलब कि आपकी 40 GB स्पेस जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो साथ में आपको ये जो है ना कुछ बेनिफिट्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं वो आपको दे रहे हैं, वट एवर जो भी होता है, ठीक। तो ये हम इसको करते हैं ओके। ये देख रहे हैं, ये प्लान हो गया, ये हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ तक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना ये आपको वो कुछ है। फिर उसके बाद देखें यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप खुद मैनेज करते हैं तो आपको फ्री है, कोई मसला नहीं है। पर अगर आप जस्ट ये चाह रहे हैं कि आपका सर्वर कोई और मैनेज करे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको $120 चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे आपको $300 चार्ज किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि आपको कितना एक्सपेंसिव पड़ता है एक जो है ना मैनेज्ड सर्वर जो होता है, वो आपको मैक्सिमम लेवल तक एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ठीक है। फिर चले मैं आपको एक और कंपनी का दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि VPS की क्या प्राइस है, $4 या $5, या चलो यूरो कर लें तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये अनमैनेज्ड होस्टिंग है तो फ्री है। जब आप इसको मैनेज पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका $100 यहाँ पे भी ऐड कर लेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जब हमने मैनेज किया तो हमारा ये $99 यहाँ पे ऐड हो चुका है साथ में, ठीक। और अगर ये आप साथ में मॉनिटरिंग की कर लें, फुल मॉनिटरिंग की, यहाँ पे प्राइस अलग है, यहाँ पे फिर आपको $9 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी सर्वर से मैनेज्ड होस्टिंग लेना, मतलब जिसमें आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कितना एक्सपेंसिव होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ से जाके जो है ना एक बिल्कुल फ्री मैनेज्ड होस्टिंग ले सकते हैं, मतलब कि आपसे VPS के चार्जिंग लिए जाएंगे पर होस्टिंग के नहीं लिए जाएंगे। तो ये हम चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम आपको एक और साथ में पहले दिखा देते हैं गोडैडी का, कि गोडैडी पे जो है ना इसका आपको कितने का पड़ता है। ये तो यहाँ पे होगा VPS होस्टिंग स्पोर्ट प्रोडक्ट, होस्टिंग में जाते हैं। ये वेबसाइट होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग, एनीवे इनका मुझे VPS होस्टिंग मिल नहीं रहा, पर इनके भी जो है ना रेट्स बहुत ज़्यादा है। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रेट्स हैं। ये देखें, ये फुल्ली मैनेज्ड VPS,
ये आप देख सकते हैं कि $30, $40, $50, ये फुली मैनेज्ड वीपीएस। ये देखें, 4 कोर यहाँ पे आपको सीपीयू दिया जा रहा है, 8 कोर रैम दी जा रही है और 120 GB स्पेस दी जा रही है। अब एज़ कम्पेयर टू अगर आप इनका देखें तो ये $300, $120 बेसिक के लिए और $300 आपको उसके लिए चार्ज कर लेते हैं मैनेज होस्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आप इस पे आके देखें तो इस पे भी फुल्ली मैनेज्ड का आपको $110 पड़ जाता है, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप ये देखें तो आपको ये बिल्कुल सस्ते में जो है ना पड़ रहा है, $30, $40 और $50, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सस्ता है। तो सो गाइज, आपको एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये होस्टिंग न्यू है, इस पे कौन ट्रस्ट करे ETC, तो मैं आपको इसके बारे में ये भी दिखा देता हूँ। स्कैम एडवाइज़र पे हम इसकी रेटिंग भी चेक कर लेते हैं। लास्ट इशू यही आता है ना कि ये कंपनी न्यू है, ट्रस्टेबल है नहीं है, हर आदमी के माइंड में यही होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी रेटिंग लोड हो रही है। ये देखें ट्रस्ट स्कोर इसका मैक्सिमम कितना आया हमारे पास, 96%, ठीक 100 में से। और ये आप देख सकते हैं कि इसका नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप देख लें कि अभी तक इसको 91 लोगों ने जो है ना रिव्यू किया है। ट्रस्ट पायलट पे इसको 4.7 रेटिंग है और स्कैम एडवाइज़र पे इसको 5.5 रेटिंग है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।